हेलो फ्रेंड्स, सो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो विद रेफरेंस टू द सोशल रिफॉर्मिस्ट इन मॉडर्न इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वामी व्रजानंद रीचेरिश्ड द मूल शंकर एज ध्यानंद सरस्वती विद द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग वैदिक नॉलेज। ओके, नो सी, यू माइट हैव नोन देर वॉज वन रिफॉर्म मूवमेंट दैट वॉज आर्य समाज। सो आर्य समाज जो है वो दैट हैज बीन स्टार्टेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। सो ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज मूल शंकर। एंड हु वॉज द गुरु ऑफ मूल शंकर? ही वॉज स्वामी ब्रजानंद। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज स्वामी ब्रजानंद रिचार्ज द मूल शंकर एज दयानंद सरस्वती विद द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग वैदिक नॉलेज। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर टू, स्वामी दयानंद सरस्वती मेड कर्म, सिद्धांत, रीबर्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास एज द फोर पिलर्स ऑफ हिज फिलोसफी। सो आर्य समाज की फिलोसफी क्या है? आर्य समाज की जो फिलोसफी है, इट डिपेंड अपॉन द वैदिक नॉलेज, वैदिक नॉलेज पर डिपेंड करती है। आर्य समाज का स्लोगन क्या था? गो बैक टू द वेदास। सो अकॉर्डिंग टू आर्य समाज, द वैदिक एज वॉज द करेक्ट, द मोस्ट यू कैन से दैट अल्टीमेट स्टेज और अल्टीमेट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट टू गेव द कॉल फॉर स्वराज। सो आर्य समाज पहला समाज था जिसने स्वराज टर्म यूज की। And he also gave a slogan India for the Indian in 1876. बाकी आर्य समाज की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम था? सत्यरथ प्रकाश। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नंबर नेक्स्ट, वाई डिड महात्मा गांधी नेवर रिटर्न टू साबरमती आश्रम वेयर ही स्टार्टेड द साल्ट मार्च और दांडी मार्च इन द देन बॉम्बे प्रोविंस। साल्ट मार्च और दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1930 से 34 तक जो है आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपकी स्टार्ट होती है। और ये कहां से स्टार्ट होती है? साबरमती आश्रम से, नियर बाय द दांडी। दांडी मार्च को स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्टेड ऑन 12th मार्च, 12 मार्च को स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल को जो है साल्ट ला ब्रेक किया जाता है। Why did Gandhi ने क्यों नहीं रिटर्न किया? There is only one reason, that is a B answer. He had decided not to return साबरमती till the independence was India, till the independence for India was obtained. There is no other reason. He took a pledge. कि भाई जब तक आजादी नहीं मिलेगी वो साबरमती आश्रम जो है वो नहीं जाएंगे। ओके, और उन्होंने एक नया आश्रम जो है वो आपका जो नया आश्रम में शिफ्ट हो गए थे। ओके, नंबर 23, विद रेफरेंस टू द ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की यार, मुंडा जो अपराइजिंग है, मुंडा अपराइजिंग जो आज की डेट में आपका झारखंड या छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में हुआ, उसके क्या कारण थे? ही क्रिएटेड अ फेथ कॉल्ड बिरसेथ एज अ चैलेंज टू द रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर ऑपरेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। दिस इज करेक्ट आंसर। ही जॉइन द सरदार मूवमेंट फॉर द लैंड एंड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल। अगेन दिस इज द करेक्ट मूवमेंट। ये कहां स्टार्ट हुई? ईस्टर्न इंडिया में स्टार्ट हुई। तो बिरसा मुंडा जो है, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर जो है लीडर। संथल अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? 1899 में। हु वॉज द लीडर ऑफ संथल अपराइजिंग? बिरसा मुंडा। द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ झारखंड वर क्रिएटेड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन 2000 इन रिकग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। नो डाउट झारखंड जो है वो क्रिएट हुआ था किसकी वजह से? टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बट एज फॉर एज छत्तीसगढ़ इज कंसर्न, और एज फॉर तीन स्टेट क्रिएट हुई थी 2000 में, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की यहां तक बात है, इट वॉज ड्यू टू द सोशियो पोलिटिकल रीजन।
सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुआ था. सो दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट प्योरली करेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है. हाँ, अगर सिर्फ झारखंड होता देन इट वॉज करेक्ट. ओके, देन ही स्पेयर हेडेड द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स विद हिज द मोस्ट फेमस ट्राइबल मूवमेंट दैट वॉज द मुंडा रेबिलियन. मुंडा रेबिलियन कब हुआ था? 1899 में. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, द प्लेसेस सच एज सेरमपुर एंड ट्रंक्यूबार इन द 17th सेंचुरी इंडिया आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सेरमपुर आपको पता होना चाहिए, सेरमपुर कलकत्ता में है. ट्रंक्यूबार जो है वो तंजोर तमिलनाडु में है, और ये दोनों जो है डच सेटलमेंट थी. ओके, सो दीज आर, सॉरी, डच, नॉट डच सेटलमेंट, दिस इज अ डेनिश सेटलमेंट. ओके, डेनमार्क की सेटलमेंट थी. दीज वर द प्लेसेस वेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप द प्रिंटिंग प्रेस. नो, इट इज रॉन्ग. इनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट इज अ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1616 में इस्टेब्लिश हुई एंड बाय द एंड ऑफ 1845 they handed over all their settlement to the East India Company. East India Company ने इसको बिल्कुल complete तरीके से purchase कर लिया and Dutch, Danish East India Company या Denmark East India Company जो है, it came to an end. Why? It came to an end because the Danish were more interested in the religious activity rather than the commercial activities. Okay? So the correct answer is that is B. Okay? Number next, consider the following statement. The interim government was officiated immediately after the Shimla Plan 1945. So this statement is not correct, क्योंकि Shimla Plan कब हुआ था? Wavell Plan के बाद, 1945. Interim government कब बनी? 1946 में. So this statement is wrong. B.R. Ambedkar was the first law minister. Again wrong. Who was the first law minister? Joginder Nath Mandal. He was the first law minister in the interim government. So this statement is also wrong. The interim government functioned under the presidency of the British Viceroy. This statement is correct. So only one statement is correct. That is the three statement. The statement number three. तो इंटरिम गवर्नमेंट 1945-46 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें लॉर्ड वेवल वाज द प्रेसिडेंट, नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू द रिलीजन्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बोथ द स्कल्पचर्स ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा एंड अनंत श्यान विष्णु डिपिक्ट देम टू बी द अटेनिंग the stage of greatest salvation. Now see, this statement is wrong, क्योंकि जो reclining Buddha है वो बुद्ध की illness को represent करता है, वो last stage को represent करता है, वो महापरिनिर्वाण को represent करता है. So this statement is wrong. अनंत श्यान विष्णु depict this statement, that is a विष्णु जो है, जो एक अनंत नाग पे विराजमान है. इट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर और यूनियन ऑफ इंफिनिटी विद द फिनिटी. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग. द अवधान शातक हैव स्टोरीज कनेक्टेड विद बुद्धा एंड मोरन किंग अशोक. द निर्वाण शातक हैव द स्टोरीज कनेक्टेड टू द बुद्धा. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जो अवधान शातक है उसमें सिर्फ बुद्ध की बारे में स्टोरीज हैं, ना कि मोरन किंग के बारे में. और निर्वाण शातक में जो है विष्णु के बारे में स्टोरीज हैं, ना कि बुद्ध के बारे में स्टोरी है. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग. बुद्धा इज वॉज इंक्लूडेड एज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु ड्यूरिंग द रीन ऑफ शुंगास. अगेन रॉन्ग. बुद्ध को विष्णु का नाइन्थ अवतार जो है वो पुराणों में बोला गया है, ना कि शुंगा और पोस्ट मोरियन टाइम पीरियड में. सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. तो क्वेश्चन क्या है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो तीनों जो है स्टेटमेंट जो है
वो क्या है, वो गलत है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कनेरी केव्स. कनेरी केव्स एक बॉम्बे में जगह है, बोलीवरी, ठीक है, मुंबई में, नियर मुंबई. ये फर्स्ट सेंचुरी से लेके लगभग 9th century AD तक जो है ये बनाई गई है. सो देर आर मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे आर डीपली नेस्टल्ड आर नेस्टेड विद इन द संजय गांधी नेशनल पार्क. अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दीज आर द पार्ट ऑफ अजंता बुद्धिस्ट केव. नो, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द अजंता बुद्धिस्ट केव. क्यों? क्योंकि अजंता बुद्धिस्ट केव जो है वो दूसरी तरफ है, वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये बोलीवरी डिस्ट्रिक्ट में है. ओके, सो ओनली वन एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है. सो करेक्ट आंसर इज ए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. सो अलाउद्दीन खिलजी जो है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है दैट वॉज 1206 से लेके 1220 तक जो है, ये अलाउद्दीन का जो है वो टाइम पीरियड है. नॉट एग्जैक्टली 1206, ये सल्तनत का है. अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है दैट वॉज 1206 से 1220 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो टाइम पीरियड है. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई दैट वॉज द मार्केट रिफॉर्म्स. दैट वॉज द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो मार्केट रिफॉर्म सबसे पॉपुलर थे. अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज. दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अ कंट्रोलर ऑफ द मार्केट नोन एज शहनाई बंडी, इंटेलिजेंस ऑफिसर ब्रीद और सीक्रेट सिपाही मुनियान, ये अपॉइंट किए गए. अगेन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द ग्रेन मर्चेंट्स वर प्लेस्ड अंडर द शहनाई मंडी. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. सो तीनों स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट. ओके, सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट से. आई बेग योर पार्डन, ये जो अलाउद्दीन का जो टाइम पीरियड है ये 1206 नहीं है, 1206 से लेके 1290 तक जो है दैट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी. और 1290 से लेके 1320 तक जो है दैट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ यू कैन से दैट द खलजी डायनेस्टी. और इसमें 1296 से 1316 तक जो है दैट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ओके, दैट वॉज अलाउद्दीन का जो है वो टाइम पीरियड यही था. ओके, सो ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, दिस इज ये गलत है. ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या है, 1296 से 1316. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, दैट वॉज द अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट 1870s में स्टार्ट हुई, प्रिसाइजली 1875 में स्टार्ट हुई अलीगढ़ मूवमेंट. इट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, वेरी करेक्ट. इट वॉज द क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस. इट वॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस विद इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एंड ग्रेजुअली फॉर द सेपरेट सॉवरिन नेशन. सो दिस स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद द अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट का एक ही पर्पज था, मुस्लिम कम्युनिटी में सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाना. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सर सैयद अहमद खान वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस एंड थॉट दैट कांग्रेस इज नॉट रेडी फॉर रूल, रेडी टू रूल द इंडिया. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई एंड सर सैयद अहमद खान विद द राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, दे क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस, दैट वॉज यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन. सो ओनली वन एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, नंबर नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बैटल ऑफ बक्सर. पहले बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर कब हुई. बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में बंगाल के नवाब के बीच में और अंग्रेजों के बीच में. बंगाल का नवाब था मीर कासिम. मीर कासिम का साथ दिया सुजाउद्दौला. ही वॉज द नवाब ऑफ अवध विद शाह आलम. शाह आलम जो है ही वॉज द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड. सो तीनों ने मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है दो है वो वार लड़ी, बट ऑल वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टेटमेंट्स. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेड बाय हेक्टर मुनरो, वेरी करेक्ट.
आफ्टर विनिंग द बैटल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन सुप्रीम कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद लॉर्ड क्लाइव जो है वो सेटलमेंट करने के लिए आया और ब्रिटेन और बंगाल में जो है वो ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किएगी, तो जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजामत राइट्स और दीवानी राइट्स दोनों हासिल किए. सो द बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. द स्टाइल ऑफ तूतीनामा, तूतीनामा जो है इट वॉज द अर्लिएस्ट वर्क ऑफ द मिडिवल इंडिया, इलुस्ट्रेटेड वर्क था, ठीक है, इलुस्ट्रेशन थी और अ काइंड ऑफ अ फोटो एल्बम थी मुगल एम्पायर की. ओके, द स्टाइल ऑफ तूतीनामा इज फार मोर डिवेलप्ड एंड रिफाइंड देन दैट ऑफ हमजा नामा. तो हमजा नामा जो है ये अकबर के टाइम पीरियड में आया, ये पहले था, बट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हमजा नामा वॉज मोर रिफाइंड. तो जो स्टेटमेंट जो है वो उल्टी लिखी हुई है, तूतीनामा रिफाइंड नहीं है, हमजा नामा ज्यादा रिफाइंड है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बहादुर शाह, बहादुर शाह औरंगजेब के बाद आया 1707 के बाद, देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ द मुगल पेंटिंग आफ्टर द नेगलेक्ट शोन बाय द औरंगजेब. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो आपका जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो थोड़ा सा बैक स्टेप में चली गई थी. ओके, सो देयर इज ओनली वन आंसर, दैट इज अ स्टेटमेंट नंबर वन. ओके, देन 32, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेके 1950 तक, 1900 से लेके 1950 तक, विच ऑफ द एग्रीकल्चर स्टैग्नेटेड था और डिटोरेटेड था इंडिया में, उसके रीजंस क्या है, जमींदार इन द जमींदारी एरियाज फेल टू इन्वेस्ट इन लैंड एंड रिलाइड ऑन द रैक रेंटिंग. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है. मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स अगेन देवर नेगेटिव, हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट, यूज अ पोर टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. और इसका ओरिजिन जो है ये क्या था, ये ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पीरियड में था, क्योंकि नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में क्या था, दैट वॉज परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट, रेवतवारी सेटलमेंट जो है दैट वॉज मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और महलवारी सेटलमेंट जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में था. उस सब की वजह से एग्रीकल्चर बड़ा बैक स्टेप पे चला गया था. दैट इज वन ऑफ द रीजन जब इंडिया आजाद हुआ जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स है उसमें एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट किया गया, लैंड रिफॉर्म्स किए गए. ओके, देन 33, मनसबदारी सिस्टम. मनसब का मतलब होता है रैंक, रैंक मनसबदार का मतलब हो गया रैंक होल्डर. ये एक यू कैन से दैट सिविल सर्विसेस टाइप सिस्टम था मुगल एम्पायर का, मुगल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन था मनसबदारी सिस्टम. द सिस्टम द वॉज ओनली फॉर द मिलिट्री ऑफिशियल्स, नो ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि जो मनसबदार है उसको सिविल ड्यूटी भी दी जा सकती है, मिलिट्री ड्यूटी भी दी जा सकती है और जुडिशियल ड्यूटी भी दी जा सकती है. इट वॉज नॉट रिड्यूस्ड ओनली फॉर, यू कैन से दैट ओनली इंटाइटल फॉर द मिलिट्री ऑफिशियल, ऐसा नहीं था. शाहजहां रिड्यूस द नंबर ऑफ द सोल्जर्स कैप्ट बाय द मनसबदार, सो दिस स्टेटमेंट वॉज करेक्ट. शाहजहां के टाइम पीरियड में कम हो गए, क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में देर वॉज 33 कैटेगरी ऑफ मनसबदार, जो शाहजहां के टाइम पीरियड में 10 से 15 कैटेगरी ऑफ मनसबदार हो गए आपके. इट वॉज लेटर डिसकंटिन्यूड बाय जहांगीर, नो जहांगीर ने डिसकंटिन्यू नहीं किया, इट वॉज कंटिन्यू इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब. सो देर इज ओनली वन स्टेटमेंट जो है, ओनली एक ही स्टेटमेंट जो है वो सही है इसमें जो है, दैट इज द सेकेंड स्टेटमेंट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज अ लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से लेके 84 तक. लॉर्ड रिपन इज नोन फॉर द लिबरल पॉलिसी, सिंस लिबरल पॉलिसी. लॉर्ड रिपन वॉज वेरी पॉपुलर अमंग ऑल द वाइसरॉयज ऑफ इंडिया. सो इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी, इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में ही आई 1882 में. इसमें क्या था, इसमें जजिस जो आपकी जुडिशरी में और जो लीगल सिस्टम में और जो जुडिशरी और जुडिशियल जजिस में जो डिस्क्रिमिनेशन थी, लीगल डिस्क्रेशन डिस्क्रिमिनेशन थी कि इंडियन जजिस जो है ब्रिटिश जो कन्विक्ट उनका ट्रायल नहीं ले सकते, इसको अबॉलिश करने की कोशिश की गई. इल्बर्ट बिल ने क्या किया, इट ट्राई टू यू कैन से दैट डिसकंटिन्यू द डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशरी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, ठीक है, लेकिन ये पास हुआ नहीं.
सो दिस वॉज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड रिपन. फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने 1853 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. चार्टर एक्ट 1833 जस्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो देर इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड रिपन. बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इज सेलिब्रेटेड एज अ राष्ट्रीय एकता दिवस. किसकी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फिगर, ओके, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को हम जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. प्रिंसली स्टेट की यूनिफिकेशन, 565 स्टेट्स को एक साथ करना, भारत की यूनियन को जो है रूपांतरण, जो है रूपरेखा देखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं. ओके, सो दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. देन मोपिला अपराइजिंग. मोपिला जो है दीज वर द अर्ली मुस्लिम्स आर मुस्लिम सेटलर्स थे आर मुस्लिम पीजेंट थे ऑन द मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट में जो है मोपिलास. मोपिला आउटब्रेक्स एज्यूम द डायमेंशन ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट विद द रिलीजियस ओवरटोन्स. जो मोपिला अपराइजिंग थी बेसिकली इट वॉज द पीजेंट अपराइजिंग. ओके, ये 1920s में हुई. बट मोपिलास जो है देवर द मुस्लिम पीजेंट्स बट देवर फाइटिंग अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड्स हु वर द हिंदू जमींदार. सो सडनली क्या हो गया, जो मोपिला की जो पीजेंट रिवोल्ट था इट बिकम अ रिलीजियस कंफ्लिक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, द इन 1921 मोपिला पीजेंट मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट गॉट मिक्स्ड, गॉट मर्ज्ड इनटू वन. अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक साथ हम इसको देख सकते हैं. देन मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग जो है वो दिसंबर 1906 में बनी लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है. मुस्लिम लीग वॉज अ बॉडी एस्टैब्लिश टू लुक आफ्टर द पोलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी अलोन. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट्स एम वॉज टू प्रमोट अमंग द इंडियन मुस्लिम्स फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो सी स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, नाउ 38. Consider the following statement with respect to Constituent Assembly. It was constituted under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Exactly, this is a true statement. Yes, statement bilkul sahi hai. The representative of British provinces were to be elected from the three principal communities. No, not at all. It was stages Group A, Group B and Group C wala tha yahan pe. Yahan pe Hindu, Muslim, Sikh ka concept hi nahi tha. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ग्रुप में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट, इसके रिप्रेजेंटेटिव थे. एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. सो दिस वॉज करेक्ट. ओके, सो द स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट. ओके, History of British India was written by James Mill. History of British India, History of British India, ये कब लिखी गई? 1817 में किताब लिखी गई. ये James Mill ने ही इंडियन हिस्ट्री को ancient, medieval और मॉडर्न में डिवाइड करा. ओके, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. James Mill, colonial historiography का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है James Mill. ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड और द पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे. पंजाब में एक साइट आती है रोपड़ इंडस वैली की. हरियाणा में बहुत सारी साइट्स हैं. हरियाणा में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे राखी गढ़ी, बनावली, भगवानपुर, करणपुर बड़ी सारी है. सिंध में आपकी आ गई दैट इज मोहनजोदाड़ो, चानोदाड़ो. बलोचिस्तान में मेहरगढ़, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, राजस्थान में कालीबंगन. सो सारी स्टेट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. सो दिस इज अगेन अ क्लास, अ लेक्चर ऑफ 20 क्वेश्चंस. सो दिस इज आर एमसीक्यू सीरीज एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट. सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम 41 to 60.